अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी। दिन भर असी रिकॉर्डिंग की गुरुद्वारा श्री पहली पातशाह चौहा बाबा गुरु नानक साहब, उत्थे भी असी तुहानू रिव्यूज़ वगैरह तुसी देखोगे तुहानू वधिया लगेगा। हुण असी इस वेले पहुंचे हाँ जन्म स्थान माता साहिब कौर जी, जिथे कि असी स्टार्टअप किया मिर्जा साहब के नाल। इस जगह के उत्ते मिर्जा साहब साढ़े नाल हर कदम इस जगह नू उजागर करन दे विच, सामने लियाउण दे विच और दिखाउण दे विच कह लो तुसी कि पेश सन। तो असी अज की जी अज की वीडियो है वो भी असी मिर्जा साहब को इसलिए शामिल कर रहे हैं कि बीइंग एक्सपर्ट और हिस्टोरीयन कह लवो तुसी कि इत्थे इस जगह के बारे च जिन्ना नॉलेज मैनू है उस तो कई गुना मिर्जा सफदर बेग साहब नूं है इस चीज़ के बारे च। तो आप पूरी एफर्ट करके अज काफ़ी देर बाद इस स्थान पर पहली बार असी नाल लै रहे हैं मिर्जा साहब नूं जी। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम। तो अपना रणजीत निगारा का एक होर कारनामा तुहाडे सामने आ गया। हाँ जी, मैं कई दोस्तों नाल गल हुई तो मैं क्या जी इस वक्त जेलम ओ जिला है जिथे इतिहास के हवाले नाल सब तो ज़्यादा काम हो, सिर्फ सिख इतिहास नहीं और इतिहास नंदना फोड़ की गल हुई है, टिल्ला जोगियां की गल हुई है, क्योंकि मरकज रहा हिस्ट्री का बिल्कुल अमलावर जो आते रहे इतों गुजरते रहे। जिस फोर्ट के खड़े हाँ ये शेर शाह सूरी ने बनवाया ही इनवेडर्स रोकने वास्ते सी कि जेडे उधरों काबल तो अमलावर आमदे आवन गए या हमायूं ने जदों शिकस्त दी तो इस जगह पर रोकया। इस किले की एक अपनी अहमियत है। बाबा गुरु नानक जी के 1521 ईस्वी के आवने तो तकरीबन 20 साल बाद एक किला बने। तो बाबा गुरु नानक जी के जिहड़ा यादगार सी जिहड़ी चौहा बाबा गुरु नानक जी जिथे असी वीडियो करके आए हाँ उसकी सेवा संभाल लई जिहड़े जिहड़ी फैमिली जिहड़ा खानदान रोहतास फोर्ट के अंदर सी वह भाई रामू जी का खानदान। भाई रामू जी की जिहड़ी रिहाइश सी वो इस जगह पर सी जिहड़े आ घर पिछे देख रहे हो। तो इत्थे ही भाई रामू जी के घर माता साहिब कौर जी का जन्म। मेरे को सोशल मीडिया से कुछ लोग पूछ रहे सन कि माता साहिब कौर जी के बारे च असी ज़्यादा नहीं जानते, मतलब कि हिस्ट्री इतिहास इस पास रह गया तो संगत उधर चली गई। 70-72 साल हो गए, नवी पीढ़ी नवी जनरेशन जी 47 तो बाद पैदा हुई है उसनों तो पता ही नहीं है। पुरानी जी बिल्डिंग सी उदा ही फोटो चुक चुक के लोग अज भी शेयर कर रहे हैं। तो मैं उन्होंने दसिया कि जिहड़ा तुसी स्थान पिछे देख रहे हो ये मेरे सामने जी मौजूदा बिल्डिंग है, मेरे सामने बने गुंबद बनया फ्लैट गुंबद है। ये जिहड़ा है ये पेशावरी संगत ने जिस वेले इत्थे मिस्त्री राज मिस्त्री लगे हुए सी उस वेले दी मेरे को फोटो आया ने कि जिस वेले इत्थे काम हो रहा सी। एक कमरे का छोटा जिहा एक गुरुद्वारा सी महाराजा रणजीत सिंह दे जमाने का छोटा जन्म स्थान सी, इको ही कमरा सी। तो उस वक्त उस तो बाद जिले संगत ने पेशावरी संगत ने कोशिश करके तो थोड़ा इदा इदे पर कलश नवा लवाया तो गुंबद इदा नवा बनाया और अंदर इसकी असल जिहड़ी पुरानी बिल्डिंग है वह भी हुण जिले पिछले घर लै ले गए ने गुरद्वारा कंपलैक्स बनाने वास्ते। तो फिर नज़र आया है कि इसकी असल दीवार भी मौजूद है पत्थर की बनी हुई जिहड़ा जी जिहड़ा कि हाँ जी जिहड़े कि किले की जिहड़ी तमीर है ना दीवारां ने पत्थर दियां ने उस पत्थर नाल ही सैंडस्टोन नाल ये जन्म स्थान माता साहिब कौर जी बनाया गया। ये भी महाराजा रणजीत सिंह के जमाने का है। तो इतों इत्थे ही जन्म लिया। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने जगत माता यानी तमाम पुरखों की तमाम सिख संगत की माता का और दर्जा दिता और मैं कौर जी ने जन्म लिया। दादका घर भी पाकिस्तान च है तो नानका घर भी पाकिस्तान च है। वाह जी वाह, देखो पाकिस्तान कितना खुशकिस्मत है कि खालसा पंथ का दादका घर भी और नानका। जिस तरह मैं पहला भी एक वीडियो किया कि तकरीबन 80% इतिहास मजहबी भी और तारीखी भी वो इस पास है पाकिस्तान के विच है। तो उन्होंने चो ही खास स्थान जन्म स्थान माता साहिब कौर। मिर्जा साहब जगत संगत नूं की मैसेज देना चाहोगे रणजीत निगारा दे फोरम तो? हाँ जी, मैं इस दे बारे जी इहदी गल कर लो। ये छोटा जिहा अस्थान सी इत्थे संगतां आउंदियां सन, मैं भी कई संगतां नाल आया तो उन्होंने कहा जी छोटा स्थान है संगतां दे बहने की जगह नहीं, इस तरह सरा वड्डा होना चाहिए। अज वो वक्त आ गया ये घर लै के इतों जिहड़ा वड्डा कंपलैक्स बनाया जा रहा है। तो संगतां इहदे विच हूँ हिस्सा पा के पता लगे उन्होंने अपनी अपने नानका मजहबी नानके नाल ते अपनी माता जी नाल प्यार कितना है उस अमली सबूत देने का कि रणजीत निगारा जड़ा है वो
इत्थे कम करवाण जा रहे हैं सेवा इहदी छुकार सेवा दा और सारा ते इहदे विच बहुत सारे लोगों की एफर्ट है जिस तरह कि पहला भी गल हुई है राजा वकार साहब की एफर्ट है आई लाइट या अपडेट करना बाबा जी की एफर्ट है तो इस तरह बहुत सारे लोगों की इस एफर्ट है तो सब नालों वड्डा जिहड़ा जिहड़ा ये बीड़ा चुकिया वो रणजीत निगारा ने चुकिया तो हूँ इस वेले वक्त ते तुसी संगतां जिहड़ियां ने वो जिहड़ियां कि बार बह के बार बार मैं ना कोई पोस्ट पाई है बाबा जी ने कोई वीडियो पाई पोस्ट पाई मैं पाई उत्थे आहो जी तको जी की हाल हो गया जी फलां हो गया जी दी सेवा संभाल सेवा संभाल होण जा रही है हूँ सेवा संभाल दे विच देखदे आं कि तुसी सिर्फ गल्लां कर सकते हो सिर्फ तनकीद कर सकते हो या कि संगतां हूँ इहदे विच प्रैक्टिकली हिस्सा लैणी पई इस चीज़ की हूँ जरूरत है जाहिर है इतना वड्डा कंपलैक्स बनेगा और उहदे वास्ते तुहाडे जिस तरह मैं कहा माली सपोर्ट की भी जरूरत है तो तुहाडी मोरल सपोर्ट की भी जरूरत है तो रणजीत निगारा जिहड़ा काम करन जा रहा है वध चढ़ के सी देखो हुण जिस तरह कि मिर्जा साहब की गल है हुण जदों साढ़े किसी भी फोरम के उत्ते जिस तरह सेव हिस्टोरिकल प्लेसिज ऑफ पाकिस्तान है या सेव गुरुद्वारा एंड टैंपल्स ऑफ पाकिस्तान है या प्यारा ननकाना साहब है या पंजाबी कल्चर एंड हैरीटेज है या उस तो इलावा तुसी कह लवो कि खासा राजपूत स्टेप्स इन पाकिस्तान है जदों भी हुण किसी फोरम के उत्ते कोई भी संगत कहेगी रीस्टोरेशन वास्ते तो असी सब तो पहले यह पूछना है कि तुहाडा की योगदान है पाकिस्तान विच सेवा शुरू हो चुकी है हुण उह दिन गए जो सिर्फ ब्लेम साढ़े तो आता सी हूँ ब्लेम आएगा उल्टा कि जो तुसी करोगे असी तुहाडे तो पहले आ पूछना वा कि तुसी किन्नी सेवा की है तुसी किन्ना इहदे च योगदान पाया जे योगदान नहीं पाया तो फिर किसी नूं पूछो मत ठीक है बट जो रणजीत निगारा है इहदे कोल पूरी कह लवो तुसी कि अकाउंटेबिलिटी है हर चीज़ के पैसे दे एक एक लेन देन जिन्हें भी लोग हायर किए ने आर्कीटेक्ट हायर किए ने इंजीनियर हायर किए ने कोई भी है उन्होंने कोई भी हायर किया तो बकायदा वह डॉक्यूमेंट जोड़े ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मौजूद है और इन्होंने को भी मौजूद है तो मिर्जा साहब कैसा लग रहा है कि वह ख्वाब पूरा होने जा रहा है जी बिल्कुल जिस तरह मैं क्या मैं मैं अज का सारा दिन मैं बड़ी खुशी हुई चोहा साहब भी और इतने भी यह जरा जी संगत की भी विश सी वह भी पूरी हो जा रही और मेर मैं जिस तरह कहना कि मैं तो जाती तौर पर खुशी बहुत ज़्यादा कि वह जगह ने जिन्हों मैं हाईलाइट किया जिथे मैं दोस्तों नू लै के आया जिथे असी फोटो वॉक्स कीतियां और जिथे बहुत बहुत हाईलाइट करन तो बाद लोगों नू पता चलिया कि एक छोटे से ज़िले विच भी इतने खास तारीखी और मजहबी और इतिहासिक जगह है ने लोगों का ख्याल सी किताबां च पढ़िया होना है मगर देखिया नहीं सी ग्राउंड ते इस वक्त की है पता नहीं कित्थे है या की है ग्राउंड ते जिस वेले दिखाना शुरू कीता उस वेले दी अलग पाकिस्तान ने सब ढेरी कर दिता वो सब कुछ मौजूद सी मैं जिस तरह दस्या कि ये स्थान मेरे सामने पुराना स्थान भी मेरे को दिया पुराने स्थान दी अपनियां जाती बनाई हुई कैप्चर की फोटो मौजूद ने जो कम हो रहा से भी है तो उसके बाद वाली भी है तो मैनू बहुत खुशी है कि देखो और सब नाल वड्डी गल जिहड़ी असीं कहने आ ये मुल्क तमाम मज़ाहिब लई तमाम मज़ाहिब लईए तमाम लोगों लईए किरे छोटी मोटी को छोटी मोटी को किरे गल हुंदी है तो दुनिया के हर मुल्क विच कोई ना कोई हो जाती है तो सिख मुस्लिम भाईचारे वास्ते और जिन्हों का नानक है उन्होंने वास्ते या जिन्हों निशानियां ने उन्होंने वास्ते साढ़े दिल खुले ने साड़ियाँ बाहां भी खुलियां ने तुसीं साढ़े दरवाजे भी खुले ने जिस वेले आओ तुसीं मोस्ट वेलकम आके देखो कि अगर इस छोटे ज़िले के भी छोटे शहर के भी इतना कुछ मौजूद है तो पूरे पाकिस्तान के भी होएगा पूरी दुनिया तो संगत आदि ने इतने और ज खास तौर पर सरदारों या सिखों इतना जितनी इज्जत दी जाती है वो जो इतों गए ने उन्होंने को जाकर पूछो थैंक यू जी ये सर मिर्जा साहब और उन्होंने विचारधारा से मैं हाँ तो अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और तुम देख रहे रणजीत।